तो कल जो हम लोगों ने एंड किया था, पहले कल का रिवीजन कर लेते, कल क्या पढ़ा था। हाँ, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, ये स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन नंबर और जो लिमिटिंग रेडियस रेशियो रूल है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। अच्छा और उसके बाद जो ड्रॉबैक्स ऑफ रेडियस रेशियो रूल, इसमें भी आई थिंक समझ में आ ही गया होगा, इसमें कोई इशू नहीं रहा होगा। इसमें बस ये हाइड्रेट हाइड्रेटेड सॉल्ट्स वाला थोड़ा सा समझने में थोड़ा प्रॉब्लम ही होगी, बाकी और कुछ ऐसा नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में भी कोई इशू नहीं होगा, मेल्टिंग पॉइंट, ब्रिटलनेस, स्टीरियो केमिस्ट्री, गुड बैड कंडक्टर्स, फिर सॉल्वेंट्स का रोल क्या होता है। उसके बाद जो हम लोगों ने, ये इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स अगर आते हैं कि सॉल्वेशन एंथैल्पी, जो हम जो एक सॉल्वेंट की पावर होती है टू डिजॉल्व एनी आयनिक सॉल्वेंट, इससे उसकी लैटिस एनर्जी कंपनसेट हो जाए। उसके बेसिस पर फिर कुछ हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे, ये सारे एग्जाम्पल देख ही लेंगे, ये न्यूमेरिकल था। इसमें बस ध्यान देने वाली बात है कि हमको लेटेस्ट एनर्जी का माइनस साइन नहीं करना है, प्लस साइन करना है, क्योंकि वो हमको अब ब्रेक करनी है बॉन्ड, तो हम वी विल हैव टू प्रोवाइड इट, ठीक है। और तो कोई इसमें इशू नहीं होगा। और सॉलिबिलिटी एंड टेम्परेचर फॉर आयनिक कंपाउंड्स, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी, ये भी देखा था हम लोगों ने। उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन टू फजान्स ग्रुप, और इसमें किसी, इन 4 क्वेश्चंस में किसी को कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर फजान्स ग्रुप में सबसे इम्पोर्टेंट है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट समझे। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखे हम लोगों ने, एंड जो लास्ट में एक इशू आ रहा था, ये पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, तो फाइनली फजान्स रूल में हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन एंड हाई पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, इससे मैक्सिमम कोवेलेंसी आएगी। और फिर यहाँ पर हम लोगों ने देखा कंडीशन फॉर कोवेलेंसी, और इसमें जो हमारा थर्ड फोर्थ पॉइंट था, जिसमें इसमें जो हमारा फोर्थ पॉइंट था, इस पॉइंट का मतलब ये है, ये वाला जो पॉइंट है, कैटायन डज नॉट हैव अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने कुछ एग्जांपल बताया था, जैसे कि एक मान लीजिए Bi +3, तो इस एग्जांपल में अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, अगर केवल बिस्मथ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें अगर, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है Xc 4s14, 5s2, 5p6, 6s2, 5d10 एंड 6p3। अब अगर हम इसका Bi+3 करते हैं, तो जो Bi+3 होगा ना, उसमें ये इतना पोर्शन तो सेम रहेगा, बस ये जो आउटर मोस्ट है इसमें से ये 6p0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे 5d10, तो 5d में होंगे ये जो 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस जो सेंटेंस है, इसका मतलब ये है कि ऐसे कैटायंस जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को नहीं अचीव करते, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है कोई भी हो, जैसे P6 होना चाहिए नोबल गैस कंफिग्रेशन में, लास्ट में आउटर मोस्ट, कोई भी अगर नोबल गैस देखेंगे तो उसका आउटर मोस्ट P6 ही होगा। तो अगर ऐसा हुआ तब इट मे बी कोवेलेंट, इट मे बी आयनिक, है ना, कैटायन की बात करो, कोई भी कैटायन। लेकिन अगर हम ये बात करें कि कोई भी कैटायन जिसमें कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में है, तो वो हमेशा कोवेलेंट कैरेक्टर ही शो करेगा। ये जो लाइन लिखी हुई थी, इसका मतलब ये है, ये समझ में आएगा। ये कोई यस सर, नोबल गैस, ये कोई नोबल गैस कंफिग्रेशन तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर ज़ीनन के बाद जो आएगा ये तो है नहीं वो, लेकिन ये कैटायन है,
तो जब भी कोई कैटायन नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन को अचीव नहीं कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल इस केस में डी ऑर्बिटल में जा रहा है, और हमने देखा था कि डी ऑर्बिटल में दो नोड्स होते हैं जिस वजह से उसकी शील्डिंग पुअर होती है, और पुअर शील्डिंग होगी तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी इस कैटायन की, और जब कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है तब कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। ये क्लियर है सभी को? ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने लास्ट तीन लेक्चर्स में पढ़ा था आयनिक बॉन्ड के बारे में, आज से हम नेक्स्ट थ्री और फोर लेक्चर्स तक पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। ओके, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड जनरल क्या होता है, मतलब जनरली कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है? शेयरिंग ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड व्हिच इवॉल्व बाय द शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू एटम। एग्जैक्टली, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें एक और बात आती है कि सिमिलर एनर्जी होनी चाहिए उन दो में, मतलब जैसे कि एस और एस हो रहे हैं, या फिर मतलब एनर्जी लेवल सेम होना चाहिए, सिमिलर एनर्जी लेवल। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये अभी मत पूछिएगा। बाकी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो बेसिक हमने जो पढ़ा हुआ है कि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, वो है ऑक्टेट रूल, कि ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए Cl2 हो गया, Cl2 में क्लोरीन है, दो क्लोरीन है, इसमें सात हो गए इसके वैलेंस में, और इसमें भी साथ हो गया, और ये शेयर कर लेते हैं तो दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे O2 हो गया, ऑक्सीजन में छह छह होते हैं, है ना, एक दो तीन पाँच छह, ठीक है, इसमें भी सिक्स। नाउ ये दो जो है वो शेयर कर लेंगे दूसरे से, तो इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट, है ना, ये जैसे इसका ये ऑक्टेट हो गया और इसका ये ऑक्टेट हो गया, ठीक है, ये सिंपल है ऑक्टेट रूल। ऐसे ही अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे N2 की, तो इसमें तीन, जब क्योंकि रिस्पेक्टिव इसमें पांच पांच इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब ये थ्री थ्री शेयर कर लेंगे तब दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम CF4 की बात करें या CH4 की बात करें, किसी की भी बात करें, हर में ऑक्टेट कंप्लीट होना ही हमारा टारगेट हो रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर हम CO2 की भी बात कर लें, जैसे कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो कार्बन से दो यहाँ शेयर करेगा और दो ये ऑक्सीजन शेयर करेगा। तो कार्बन के अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कार्बन की भी ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्सीजन की भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये एक बेसिक ऑक्टेट रूल है, ठीक है, ये तो बचपन से ही हम लोग देखते आ रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि हमेशा ऑक्टेट रूल तो फॉलो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, ये ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट रूल की बात करें, अगर हम जैसे हाइड्रोजन है, तो इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में, जब H2 बनेगा तो ये तो ऑक्टेट की जगह ड्यूप्लेट कर रहा है, ऑक्टेट तो नहीं कर रहा। वैसे ही अगर हम बात करें BCl2 की, इसके आउटर मोस्ट में होते हैं दो ये, और क्लोरीन के साथ होते हैं, ठीक है। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, बट यहाँ पर केवल ये चार इसके आ रहे हैं आउटर मोस्ट जो शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी एक एक्सेप्शन हो गया हमारा ऑक्टेट रूल का। वैसे ही अगर हम BH3 की बात करें, तो सेम इसमें
ये सिमिलर टू नाइट्रोजन है, इसमें तीन, इसमें फाइनली पांच है, एंड फ्लोरीन एक एक करेगा, तो ये समझ में है ना, ये थ्री। इन सभी में ये सारे एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल के। ये फर्स्ट हो गया कि मेनी कंपाउंड्स आर इनहेरेंटली कैन नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, लेकिन ये सारे स्टेबल है, जैसे एच टू स्टेबल है, BCl2 स्टेबल है, BF3 स्टेबल है, ऑल आर स्टेबल, लेकिन नॉट ऑक्टेट, नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। एक और केस है, जैसे अगर हम बात करें PF5, तो ये ऑक्टेट की जगह ये इसके आउटर मोस्ट में फिर 10 आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल ई है यहाँ पर, इसके पांच, ठीक है। अगर हम यहाँ पर फ्लोरीन करें, वन सारे फ्लोरीन एक एक इससे ले लेंगे, ठीक है। फ्लोरीन में ऑलरेडी यहाँ पर सात है, और एक यहाँ पर वो शेयर करेगा फ्लोरीन, सभी सभी फ्लोरीन अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो यहाँ फ्लोरीन तो अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, बट अगर हम फॉस्फोरस की बात करेंगे तो यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट में 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जो कि ऑक्टेट तो नहीं है बट स्टेबल। और अगर हम ट्रांजिशन मेटल्स की बात करेंगे, ट्रांजिशन मेटल्स की अगर हम बात करें, तो ये सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जैसे आप मान लीजिए मैग्नीशियम +2, +3 अप टू +7 तक आता है, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो अगर शो कर, तो ऑक्टेट रूल तो फॉलो नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। और एक और आता है, ऑक्टेट रूल का मतलब क्या होता है कि ये मान रहे हैं कि जो शेयरिंग हो रही है वो सेम एनर्जी पर हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, अगर हम इसकी बॉन्ड एनर्जी की बात करें, 7 kJ/mol, ठीक है। और वहीं अगर हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बात करें, तो अगर हम इसको, क्योंकि दो बॉन्ड आ गए, अगर ऑक्टेट रूल है तो इक्वल शेयरिंग, इक्वल बॉन्ड स्ट्रेंथ, इक्वल बॉन्ड एनर्जी, तो ये हमारा आना चाहिए 694। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, दिस इज नॉट देयर। एक्चुअल में अगर हम बात करें तो इसकी 615 kJ/mol होती है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है। तो इसका मतलब है कि ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है। अगर ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा होता तो ये वाली बॉन्ड और ये दोनों डबल बॉन्ड भी इक्वल ही होती इस सिंगल बॉन्ड के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि शेयरिंग, ये ब्लू कलर इज, इट इज विजिबल और नॉट, शेयरिंग इज रेडिकल, शेयरिंग इज थर्मोडायनेमिकली नॉट सेम, ठीक है। और एक और बात है कि कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हमारे पास जैसे NO2, NO2 प्लस, और ये जो मतलब जैसे NO, तो इन सब में ऑक्टेट तो कभी स्टेबल हो ही नहीं रही ना, इसमें ऑक्टेट नहीं हो रही है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन पर प्लस, ठीक है, तो इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ऑक्टेट रूल इज नॉट अ फंडामेंटल थिंग, जिससे कि हम कोवेलेंट कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर पाए या उसकी बॉन्डिंग को डिफाइन कर पाए, ठीक है। बट इनिशियली ऑक्टेट रूल का इंपॉर्टेंट रोल ये रहा कि इसने एक डायरेक्शन दिया। अब हम बात करेंगे कि अगर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तब हम कैसे कोवेलेंट कंपाउंड्स को स्टडी करें। तो जो हमारे पास दो थ्योरीज आती है, एक है हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी,
इसको पीबीटी बोलते हैं, और एक होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, एमओटी। तो इन थ्योरीज की हेल्प से हम कोवेलेंट कंपाउंड को स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पहले, उसके बाद फिर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। अच्छा ये बताइए तब तक कि वैलेंस बॉन्ड, सॉरी वैलेंस, वैलेंस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन वैलेंस? वैलेंस क्या होता है केमिस्ट्री में, अगर बात करें वैलेंस शेल जैसे बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल। हाँ, तो जो हमारा आउटर मोस्ट शेल है उसकी बात करेंगे। इट मींस कि अब हम जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करेंगे तो वी विल जस्ट डील विथ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे, हमें इनर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कोई मतलब नहीं है कि वो क्या कर रहे क्या नहीं। ठीक है, अब एक और बात करेंगे हम कि यहाँ पर अब हम आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, तो जो आउटर मोस्ट शेल है अब उनका ओवरलैप जब होगा तब हमारी बॉन्डिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल ए है, ये इसका वैलेंस शेल है, उसके बाद ये एक और ए मान लो, ठीक है, ये इसका वैलेंस शेल है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बोलती है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट हो, ठीक है, ये मैं इंटेंशनली ऐसे कर रहा हूँ, जब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो तब ये शेयरिंग अपने शेल्स को शेयर करेंगे, शेल इसके कंबाइंड होकर एक शेल हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स फिर आपस में यहाँ से यहाँ रिवॉल्व करेंगे, इसको शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और ये कोवेलेंट बॉन्ड कह रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि अब थोड़ा सा इसके और अंदर आते हैं। अभी हम शेल का देख लें कि शेल यहाँ पर ओवरलैप करके एक सिंगल शेल बनाएंगे। नाउ वी विल सी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। अब देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स, वी ऑल नो कि इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल में जो प्रेजेंस होती है वो स्पिन के बेसिस पर होती है, एक स्पिन ये हो सकती है, एक स्पिन ये हो सकती है। ठीक है, अगर दो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन सेम हुई तो यहाँ पर रिपल्शन होगा। ठीक है, और अगर दो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन ऐसे हुई तो यहाँ अट्रैक्शन होगा और शेयरिंग होगा, मतलब शेयरिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसको इन्वर्ट करना होगा स्पिन इन्वर्जन करके। जब स्पिन इन्वर्जन होगा तब ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग करेगा और फिर ये इलेक्ट्रॉन आपस में अपनी स्पिन चेंज करते रहेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो वो इस तरह से हो जाएगा, जब ये यहाँ जाएगा ये इस तरह से क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इस तरह से स्पिन इंटरचेंज होगी और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो इसमें अभी जो मैंने बातें बोली हैं तो कुछ वर्ड्स में बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन दोनों शेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव दोनों शेल्स में, जब एक शेल बन जाएगा तो दे आर फ्री टू मूव। ये इलेक्ट्रॉन्स बाउंड, दे आर नॉट बाउंडेड बाय आइदर दिस और दिस, दे कंटिन्यूसली कीप ऑन चेंजिंग। तो यू कैन नॉट से कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसका है या ये इलेक्ट्रॉन वो इसका है। इफ दे आर इन द बॉन्डिंग देन दे आर शेयर्ड बाय बोथ एंड दे लूज देयर आइडेंटिटी। ठीक है, और हाँ, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दिस इलेक्ट्रॉन एज वेल एज दिस इलेक्ट्रॉन? इट इज बिटवीन दीज एटम्स। ठीक है, जब ये बॉन्डिंग हो रही होती है तब। नाउ अब हम एक और बात करेंगे कि जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लिया कि ये जो बॉन्डिंग यहाँ पर बन रही है, ठीक है, यहाँ इस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स हैं। काइंडली म्यूट जिसकी भी आवाज करिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब जब इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस यहाँ है तो यहाँ पर जो इसका न्यूक्लियर चार्ज है,
यहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज है, अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तब यार ये किसकी आवाज खुली हुई है? काइंडली म्यूट एक बार सभी चेक कर दीजिए। अगर हम बात करें कि जो ए है और ये वाला मान लीजिए इसको बी नाम दे देते हैं, ठीक है, जहाँ जो ए का न्यूक्लियस है और बी का न्यूक्लियस है, अभी इन दोनों के बीच में जब बॉन्डिंग नहीं हो रही होगी तब इन दोनों के बीच में हो रहा होगा रिपल्शन, ठीक है, इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन हो रहा होगा ना, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन हो रहा होगा। लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इनके बीच में बिकॉज ऑफ बॉन्डिंग, तो दीज इलेक्ट्रॉन विल शील्ड दिस न्यूक्लियर चार्ज, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स विल शील्ड द न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो अगर वो न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड कर देंगे देन दिस विल प्रमोट देम टू कम क्लोजर टू ईच अदर, प्रमोट ए एंड बीज न्यूक्लियस टू कम क्लोज। अगर क्लोज आए तो फिर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ये समझ में आया ना, थोड़ा सा हॉश पॉश हो गया है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये समझ में आया? यस सर, ठीक है। इससे हमको कुछ कुछ हमारे कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुए कि डिस्पाइट ए एंड बी हैविंग द न्यूक्लियर चार्ज, वो रिपेल करने चाहिए, दे शुड रिपेल ईच अदर, बट बिकॉज ऑफ द शील्डिंग प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स दे आर नॉट रिपेलिंग ईच अदर दैट मच एंड दे आर इन टू बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। ये हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है। सर ये शील्डिंग कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इनके ऊपर भी तो नेगेटिव चार्ज है, आपस में तो रिपेल करना चाहिए ये भी। हाँ, ये इसका आंसर मैंने यहाँ बताया हुआ है कि ये जो अगर इलेक्ट्रॉन्स के सेम वो होता सेम स्पिन है तो अगर अपोजिट स्पिन है, पहले स्पिन इन्वर्जन होगा तब वो बॉन्डिंग में आएंगे, और ये कंटिन्यूअसली अपनी स्पिन चेंज करते रहेंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा तो वो अप ऊपर वाली स्पिन में होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा तो वो नीचे वाले स्पिन में होगा, तो कंटिन्यूअसली जब स्पिन चेंज कर रहे हैं तब ये बॉन्डिंग में एंगेज है यहाँ पर, और जब बॉन्डिंग में एंगेज है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर होंगे तो इन दोनों न्यूक्लियस का चार्ज जो है शील्ड हो जाएगा, इससे न्यूक्लियस को पता ही नहीं लगेगा कि उस साइड कौन है, ठीक है। सर मान लीजिए कि जैसे सपोज दोनों का स्पिन अगर सेम हो सकता है उसका शायद टाइम पीरियड कम हो तभी वो स्टेबल रहेगा, अदरवाइज तो वो खुद ही रिपेल करने लगेंगे ना। हाँ, अगर क्या होता है कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना, अगर सेम स्पिन वाले होते हैं तो पहले हमारी स्पिन इन्वर्जन होती है, पहले स्पिन इन्वर्ट होती है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग रिएक्शन होता है, ये इसका रिलैक्सेशन टाइम इस रिएक्शन का थोड़ा स्लो होता है। अब स्पिन इन्वर्जन के बाद जब इस तरह से हो जाते हैं, जब दोनों अपोजिट स्पिन के, तभी ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है सर, ठीक है, ओके थैंक यू सर। नाउ हाँ, एक और जो आपने जो मुझसे डाउट पूछा ना कि यहाँ पर सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन है आपस में क्यों वो रिपेल नहीं कर रहे हैं, तो इसमें एक पॉइंट जो है वो ये है कि पहले स्पिन किस एरिया में, ये समझ में आ रहा है ना, ज्यादा तो नहीं हो जाएगा ना इसमें? नहीं सर ठीक है, हाँ, दिख रहा है मतलब। हाँ, पहले क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन थे वो इस एरिया में पाया जाता था, ये वाला इलेक्ट्रॉन, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस एरिया में पाया जाता था, जी सर। अब क्या है, अब ये इलेक्ट्रॉन आफ्टर बॉन्डिंग वो इस एरिया में पाया जाएगा, ठीक है सर, मतलब आगे बढ़ गया, एरिया तो ज्यादा मिल रहा है ना घूमने के लिए, पहले रिस्ट्रिक्टेड था, तो फिर अगर रिपल्शन हो भी रहा है तो वो कहेगा नहीं भाई हमको एरिया ज्यादा मिल रहा है, तो वो कहेगा कि कोई दिक्कत नहीं हम लोग रह लेंगे आराम से, एरिया तो ज्यादा है, ठीक है, ठीक है, तो इसका रीजन ये था, ठीक है। नाउ वी विल डू द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वीबीटी, how will you define VBT mathematically? अगर हम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की बात करें वीबीटी में, तो हमारा अल्टीमेट एम है ये पहचानना कि वीबीटी से हमें ये कैसे पता लगेगा कि
कोई जो बॉन्ड है वो आयोनिक बॉन्ड बना रहा है या कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है या उसमें रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आएगा रेजोनेंस का, ठीक है। तो हमारा टारगेट है जब हम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट को पढ़ेंगे तो स्टार्ट होने के पहले मेरी आदत है कि हमको पता होना चाहिए एक्चुअली हम क्या करने वाले हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कोवेलेंट नेचर, आयोनिक नेचर ऑफ बॉन्ड, और ये अगर कुछ इंटरचेंज हो रहा होगा कोवेलेंट से आयनिक, आयनिक से कोवेलेंट, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको रेजोनेंस के थ्रू बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट है। अब देखते हैं हम क्या क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि दिस मैथमेटिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड बाय पॉलिंग स्लेटर एंड हिटलर। अच्छा, इस डेरिवेशन को ना आप लिख लीजिए क्योंकि इसमें डिक्टेट भी करना पड़ेगा, तो इट वुड बी बेटर कि आप अगर अपने हाथों से लिखेंगे तो बाद में यू विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड इट बेटर। सर ये लवप्रीत सर के नोट्स में है कि नहीं है? हाँ, ये लवप्रीत सर के नोट्स में है, ठीक है। अगर आप उसको खोले तो दैट वुड बी वेरी गुड। हाँ सर, डेरिवेशन इसमें डेरिवेशन सॉर्ट ऑफ डेरिवेशन नहीं है, इसमें अलग ही टाइप का, ये डेरिवेशन नहीं है। मान के चलिए ठीक है, पॉलिंग स्लेटर हिटर एंड रेंडन, ये चार लोग हैं जिन्होंने ऑब्जर्वेशंस की, उस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने मैथमेटिक्स एक मैथमेटिकल एक इक्वेशन दी जिसको बोलते हैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बीपीटी। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हम तो मानेंगे कि एक ट्रायल वेव फंक्शन है, ठीक है, एक ट्रायल वेव फंक्शन है और वो ट्रायल वेव फंक्शन है, ठीक है, एस टू मॉलिक्यूल को लिया इन्होंने जिसका ट्रायल वेव फंक्शन से हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो अगर एच टू मॉलिक्यूल बन रहा है तो हाँ, एक और हम दिस इज वेल नोन दैट जो बॉन्ड एनर्जी है फॉर फॉर्मेशन ऑफ एच टू वो है हमारी -435 किलो जूल पर मोल। अगर आप लवप्रीत सर के नोट्स देखेंगे तो उसमें 437 दिया है, उसको 435 कर लीजिए, ठीक है। और जो एच टू की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 74 पिकोमीटर, ठीक है, हमको पता है, दिस इज एक्सपेरिमेंटली नोन टू देम एज वेल, जो ये इस इक्वेशन को निकाल रहे थे उनको भी ये पता था कि ये ऐसा है कि एच टू की बॉन्ड एनर्जी -435 किलो जूल पर मोल है और बॉन्ड लेंथ 74 पिकोमीटर है, ठीक है। और फिर उसके बाद इन्होंने लिया इसको एक वेव फंक्शन के फॉर्म में लिया, एक मान लीजिए एच ए हाइड्रोजन ए है क्योंकि जैसे एच टू जो मॉलिक्यूल होगा उसमें एच ए और एच बी रहेंगे, दो हाइड्रोजन रहेंगे ना, तो एच ए का वेव फंक्शन हमने ले लिया, ठीक है, साई ए, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो इसको हमने नाम दे दिया E1, ठीक है। वैसे ही एच बी ले लिया, उसका वेव फंक्शन साई बी ले लिया और उसका ये ले लिया E2, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि अगर इन दोनों के बीच में हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो हमारा जो रिजल्टिंग वेव फंक्शन होगा, जो कॉम्बिनेशन का वेव फंक्शन होगा वो साई ए E1 प्लस साई बी E2, यही होगा ना, क्योंकि हम दो हाइड्रोजन को ले रहे हैं, एक हाइड्रोजन को एनालाइज, ठीक है, ये इसका रिजल्टिंग वेव फंक्शन होगा। यहां तक लिख लिया? यस सर। सॉरी, मल्टीप्लाई करना है, आप ऐड नहीं करना, इस जगह मल्टीप्लाई, ठीक है, मैं करता हूं। ओके, तो जो हमारा अगर हम बात करें, हमने जो पहले वो लिया था दैट वाज प्योर शेयरिंग के बारे में, प्योर शेयरिंग हो रही थी वहां पर दो एच ए और एच बी के इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। लेकिन व्हाट वी फाउंड दैट
जो बॉन्ड एनर्जी है वो केवल और केवल -22 किलो जूल पर मोल आ रही थी, और जो बॉन्ड लेंथ है वो आ रही थी 90 पिकोमीटर। तो मैं और एक्चुअल में कितना है ये 20 टाइम्स कर लो इसको, उतना है ये, कितना -435 किलो जूल पर मोल है ना, और बॉन्ड लेंथ भी 74 पिकोमीटर है। लेकिन अगर हम बात करें कि हम प्योर शेयरिंग की बात करते हैं, प्योर शेयरिंग में ये -22 किलो जूल पर मोल ही आ रहा था, तो इसमें कुछ ना कुछ तो हमें अब एडिशन करना ही होगा, क्योंकि हम अगर प्योर शेयरिंग का जो हमने सही कॉम्बिनेशन निकाला था वो दैट इज नॉट सफिशिएंट के लिए। हिटलर एंड लंदन, इन्होंने कुछ इंप्रूवमेंट किया, तो इंसान होंगे उन्होंने इंप्रूवमेंट किया, उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो हो रही है, शेयरिंग के साथ साथ इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज भी हो रहा है, शेयरिंग भी हो रही है और इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज भी हो रहा है, कि ए का इलेक्ट्रॉन बी में भी जा सकता है, बी का इलेक्ट्रॉन ए में भी जा सकता है। ये समझ में आया? इनका काफी जेन्युइन सा कंसर्न था कि आप केवल शेयरिंग नहीं कर सकते, आप एक्सचेंज भी होगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो अगर हम अब बात करें, अब जो हमारा वेव फंक्शन आएगा साई डैश कॉम्बिनेशन, वो क्या होगा, जो हमारा पहले हम लोगों ने निकाला था साई ए इवन और साई बी इटू प्लस, अब एक्सचेंज के कारण क्या होगा, एक्सचेंज के कारण ए के अंदर ई टू रहेगा और बी के अंदर इवन रहेगा। ये समझ में आया? दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सचेंज, ये समझ में आया ना। अब जब उन्होंने इसको सॉल्व किया बाय पुटिंग, हाँ ये सॉल्व कैसे किया होगा उन्होंने, बाय पुटिंग इन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई थिंक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे ही पहली वाली स्लाइड में यहाँ पर भी लिख लीजिए, नाउ सॉल्विंग, नाउ पुटिंग इट इन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज आ रही है एनर्जी की वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आ रही है, ठीक है। अब इन्होंने जब ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में ये वैल्यू पुट की, तब उनको जो बॉन्ड एनर्जी मिली, तब उनको जो बॉन्ड एनर्जी मिली दैट वाज -390 किलो जूल पर मोल, और जो बॉन्ड लेंथ मिली वो थी 76 पिकोमीटर, और ये काफी क्लोज थी, जो हमारा टारगेट है वो ये है -435 किलो जूल पर मोल एंड 74 पिकोमीटर, है ना, ये काफी क्लोज आ गए, मतलब कि देयर डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग वाज करेक्ट, कि शेयरिंग भी हो रही है प्लस एक्सचेंज भी हो रहा है, ठीक, समझ में आया ये। लेकिन अब एक और इशू है, इक्वल तो नहीं है ना, ये 390 है और ये 435 है, ये 74 है, ये 76 है, तो फिर अब आया ये स्लेटर भाई साहब, अब स्लेटर भाई साहब ने कुछ और बोला, अकॉर्डिंग टू स्लेटर, स्लेटर ने ये बोला कि जो मैंने बताया था कि वहां इलेक्ट्रॉन्स जो है बीच में वो शील्ड कर रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज को, जब शील्डिंग कर रहे हैं इंटर न्यूक्लियर चार्ज को, वही जो मैंने बताया ना शील्डिंग, मतलब कि एक हाइड्रोजन ये एक एच ए एच बी, ठीक है, और जब इनके बीच में जब ये बनेगी बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट होंगे तो दे विल शील्ड इन दोनों के चार्ज को, ये समझ में आई बात। तो अब एक्चुअल में हमें क्या पता है, अगर हम बात करें हाइड्रोजन के चार्ज की, तो इफेक्टिव चार्ज तो हाइड्रोजन का +1 होता है ना, लेकिन इस शील्डिंग के कारण
यहाँ पर जो z इफेक्टिव होगा, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो होगा z हाइड्रोजन माइनस समथिंग, और ये जो समथिंग है इसकी वैल्यू 0.35 है, ठीक है, ये इन्होंने कैलकुलेट किया, ठीक। तो जो अब z इफेक्टिव हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो 0.65 हो जाएगा। ये समझ में आया? Yes, sir. अब इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इनको क्या काम, मतलब कैसे करेंगे? तो अगर हम बात करें, हमने जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फॉर एनर्जी है वो है, अभी यहां तक शायद आप लोग नहीं आए होंगे, आ चुके होंगे शायद, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू न्यू प्लस बी, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है। और ये जो वी है ये है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। और पोटेंशियल एनर्जी में अगर उसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, ये होता है ना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो पहले जेड की वैल्यू क्या थी, पहले वन थी, लेकिन अगर हम कंसीडर करें शील्डिंग तो अब जेड की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 0.65। तो अगर 0.65 यहाँ डालोगे तो पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाएगी ना, थोड़ा एनर्जी जो हमारी कैलकुलेट होगी इफेक्टिवली उसमें चेंज आएगा, ठीक। ये समझ में आया ना कि हमने क्यों निकाला जेड इफेक्टिव फाइनली, क्योंकि एचओपी जो होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ये एनर्जी का ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो अब हम अगर हम अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इन्होंने पाया कि एनर्जी जो है वो आ रही है -422 kJ पर मोल, और बॉन्ड लेंथ आ रही है 74.2 किलोमीटर। ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हुआ, क्योंकि पहले 390 आ रही थी, 422, और हमारा टारगेट क्या है, टारगेट मतलब कि एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंटल है वो -435 है और बॉन्ड लेंथ है 74 जो एक्चुअल है। जो टारगेट मत लिखना, ये मैंने अपने लिए लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये है, तो अब आए हिटलर भाई साहब, ये दूसरे वाले हिटलर HITLER, ठीक है। इन्होंने बोला, इन्होंने एक अलग कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने बोला कि एच ए है और एच बी है। आपने बात कर ली कि शेयरिंग होनी है, ठीक है, शेयरिंग कर लो आप, कोई बात नहीं, एक्सचेंज कर लो, वो भी उन्होंने बोला ठीक है। आपने बोला इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पर शील्डिंग हो रही है, ठीक है, शील्डिंग शील्डिंग हो रही है, उन्होंने बोला ये तीन तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो एच ए का इलेक्ट्रॉन है, मान लो E1, ठीक है, एच बी का इलेक्ट्रॉन है E2, ये पूरा का पूरा एच ए के पास आ जाए, कंप्लीट ट्रांसफर भी तो हो सकता है, यहाँ E1 और E2 हो जाए और यहाँ एच बी के पास कुछ भी ना बचे, या फिर ऐसा भी हो सकता है एच ए के पास कुछ भी ना बचे और एच बी के पास दोनों आ जाए, E1 और E2, मतलब कंप्लीट ट्रांसफर। फिर इन्होंने अगर आप अगर ये इन्होंने ये ऐड किया इस चीज को भी, शेयरिंग हो रही है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, इंटर न्यूक्लियर शील्डिंग भी हो रही है और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो रहा है, तब फिर इन्होंने एक फाइनल जो हमको इक्वेशन दी वो ये दी, जो कंप्लीट वेव फंक्शन है साई वीबीटी, ये है एक्चुअल में साई वीबीटी, वो है आपका साई ए E1 साई बी E2 प्लस, अब यहाँ दूसरा वाला साई ए E2 साई बी E1, ठीक। इतना ये तो हम लोगों को पता है, ऐसा हो गया।
अब यहाँ इन्होंने ऐड कर दिया आयनिक के लिए लैम्डा इनटू, अब फर्दर यही चीज साई ए इवन साई ए ई टू, क्योंकि ए में ही दोनों है इन्होंने माना। फिर इन्होंने ये भी माना कि जब एक कंप्लीट ट्रांसफर होगा तो बी में भी दोनों हो सकते हैं, साई बी इवन एंड साई बी ई टू। ये समझ में आया, ये समझ में आया सभी को जो मैं समझा रहा हूँ या सब लिख ही रहे हैं बस? सर आया, आया ना? तो अल्टीमेटली साई बीबीटी क्या बोल रहा है, ये है साई कोवेलेंट प्लस लैम्डा साई आयोनिक, और यही हमको चाहिए था कि कोई भी बॉन्ड जो है वो कंप्लीटली कोवेलेंट नहीं है और कोई भी बॉन्ड कंप्लीटली आयोनिक नहीं है, और ये भाई साहब इस पर पहुंच गए। सर लैम्डा कैसे आया? ये लैम्डा को इन्होंने बोला है आयोनिक कोवेलेंट एक्सचेंज पैरामीटर, इसका नाम है आयोनिक कोवेलेंट एक्सचेंज पैरामीटर। अब कैसे आया तो ये हिटलर से पूछो, ठीक है? अब ये, अब हम इस लैम्डा की वजह से हम निकाल सकते हैं कि कोई भी जो बॉन्ड है उसमें परसेंटेज आयनिक करेक्टर कितना है। तो इन्होंने बोला कि परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन वन प्लस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। ये पर्टिकुलर चीज ना, ये मुझे दो साल तक समझ में ही नहीं आया था कि ये चल क्या रहा है। इसलिए अगर कहीं भी आपको कनेक्टिविटी में कहीं प्रॉब्लम हो तो वो बताइए, उसको दोबारा से कर लीजिए, अभी ही रट लो इस चीज को, क्योंकि ये कभी कभार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अभी तक नहीं आया ये वाला क्वेश्चन, लेकिन वो पूछ सकते हैं कि भाई मैथमेटिकल वो बताओ बीबीटी का। तो ये एक एक स्टेप समझ में आया नहीं, क्योंकि ये मुझे नहीं आया था और मैंने कम से कम दो साल तक मुझे याद भी नहीं था। कहीं भी किसी भी पॉइंट पर डाउट हो, कनेक्टिविटी बिठाने में डाउट हो, तो वो उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। आगे बढ़े? यस यस सर। तो अब हमको यहाँ पर, अब लास्ट में अब आप लिख लीजिए कुछ, एक पैराग्राफ है छोटा सा। वेव फंक्शन फॉर वीबीटी, वेव फंक्शन फॉर वीबीटी क्लियरली सजेस्ट दैट, क्लियरली सजेस्ट दैट वेव फंक्शन इज नॉट प्योर कॉमा, वेव फंक्शन फॉर वीबीटी क्लियरली सजेस्ट दैट वेव फंक्शन इज नॉट प्योर कॉमा, इट इज अ ट्रायल वेव फंक्शन, इट इज अ ट्रायल वेव फंक्शन which include both covalent as well as ionic character. It is a trial wave function which include both covalent as well as ionic character or behavior. Same thing. That means. Sir, एक बार repeat wave function क्या है? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। वेव फंक्शन फॉर वीबीटी क्लियरली सजेस्ट दैट वेव फंक्शन इज नॉट प्योर कॉमा, इट इज अ ट्रायल वेव फंक्शन विच इंक्लूड बोथ कोवेलेंट एज वेल एज आयनिक बिहेवियर। दैट मींस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दैट मींस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल must be represented like, that means hydrogen molecule
मस्ट बी रिप्रेजेंटेड लाइक, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये H प्लस एच माइनस, दैट मीन्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मस्ट बी रिप्रेजेंटेड लाइक H प्लस एच माइनस. इतना लिख लिया सभी ने? Yes, sir. अब नेक्स्ट टू लाइन्स और लिख लीजिए, ये नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखें. Whenever a molecule is represented, whenever a molecule is represented in more than one form, whenever a molecule is represented in more than one form with difference in electron sharing in more than one form, with difference in electron sharing, comma, it is called as, with difference in electron sharing, comma, then it is called as resonance. Then it is called as resonance. Full stop. That means resonance is necessity of VBT. फिर से रिपीट कर देता हूं पूरी लाइन. Whenever a molecule is represented in more than one form with a difference in electron sharing, then it is called as resonance. That means resonance is necessity of VBT. ठीक है भाई, समझ में आ गया? Resonance is necessity of VBT, valence bond theory. ठीक है, अब आगे बढ़े. Yes sir. अब थोड़ा इजियर पार्ट है जो हम लोगों ने बचपन से अभी तक पढ़ते आए हैं, हाइब्रिडाइजेशन और शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सारी बातें. ठीक है, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, इन द सेंस कि इजी है थोड़ा सा. आज का जो टफेस्ट पार्ट था वो हो गया समझने वाला. अब हम बात करते हैं थियोरेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वीबीटी. सर, ये जो लास्ट लाइन आपने बताया कि रेजोनेंस इज नेसेसरी फॉर वीबीटी, ये थोड़ा क्लियर नहीं है. ओके, आप ये बताइए हिटलर भाई साहब ने क्या बोला था? हिटलर आयनिक वाले के बारे में बोल रहा था. हाँ, तो हिटलर ने क्या बोला कि, अच्छा ये इस चीज पर आइए, यहाँ पर आइए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. ये देखिए, शेयरिंग का भी, अगर वीबीटी की इक्वेशन अगर हम देखें तो उसमें शेयरिंग का भी पार्ट है कि नहीं? Yes. उसमें एक्सचेंज का भी पार्ट है कि नहीं? उसमें शील्डिंग का भी पार्ट है और उसमें कंप्लीट ट्रांसफर का भी पार्ट है. तो अगर हम रेजोनेंस, मान लो एक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम रेजोनेंस पढ़ते हैं, तो शेयरिंग में क्या हो रहा है? शेयरिंग में दो बॉन्ड बन रही है इस तरह से. एक्सचेंज में क्या हो रहा है? एक्सचेंज में ये हो रहा है कि मान लीजिए यहाँ पर E2 है, यहाँ E1 है, एक्सचेंज में हो रहा है E1 यहाँ पर, E2 यहाँ पर, E1 यहाँ पर. ठीक है, शील्डिंग तो छोड़ो, बाकी कंप्लीट ट्रांसफर में क्या हो रहा है? E1 E2 दोनों यहाँ पर और यहाँ पर कुछ भी नहीं, और यहाँ पर E1, तो यहाँ H में कुछ नहीं, इस वाले में E1. तो ये सारे स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं क्या? जितने भी मैंने बनाए हैं ये डिफरेंट है, आधे डिफरेंट? नो सर, नो सर. तो ये सारे क्या बोलते हैं इनको? रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, है ना? यस सर, क्लियर, थैंक यू. थ्योरेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वीबीटी. अब मैं, अगर थ्योरेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वीबीटी करना है तो दो चीजें होती हैं. एक होता है हाइब्रिडाइजेशन
दूसरा होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस के बारे में थोड़ा बहुत तो हमने पढ़ लिया है, अब हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करें। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, मतलब एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताइए। कोई भी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताओ, हाइब्रिड चीज क्या होती है, हाइब्रिड व्हीकल, हाइब्रिड इंजन या हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड क्या होता है सर? किसी भी दो अलग प्रकार की चीजों का मिलना, दो अलग प्रकार की, दो अलग प्रकार को आप मिला सकते हो? नहीं सर, मतलब सिमिलर चीज, सिमिलर चीज का फिर इवॉल्व होना तरह से। तो अब हम केमिस्ट्री में बात कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इट डाउन, इट इज अ मिक्सिंग ऑफ एन ऑर्बिटल्स, एन मतलब एन, एन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, इट इज अ मिक्सिंग ऑफ एन ऑर्बिटल्स हैविंग ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। ना आप इक्वल्स को ही तो आप एक साथ ट्रीट कर सकते हो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है इक्वल्स मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली। इट इज अ मिक्सिंग ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, फिर फर्दर लिखिए टू प्रोड्यूस इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, टू प्रोड्यूस इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स which are to produce equal number of hybrid orbitals which are equivalent, इसके terms में equivalent जो hybrid orbital बनेंगे they are energetically equivalent, they are symmetrically equivalent, they are stereochemical equivalent, and they are chemical equivalent. Equivalent मतलब एक जैसे, उनमें कोई difference नहीं होगा। अगर hybrid orbitals एक बार बन गए तो energy, symmetry, stereochemistry, chemistry सब कुछ same रहेगा उनका, they will be independent of their parent, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कार्बन और हाइड्रोजन, ये अपने अलग अलग हैं, लेकिन जब ये CH4 में आ जाते हैं तब हर एक CH बॉन्ड सेम रहेगी और इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपना इंडिपेंडेंट जो बिहेवियर है वो भूल जाएंगे। नाउ दे विल बी अंडर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, वो sp3 हाइब्रिड हो जाएंगे, जो उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है एज एन इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन या फिर एज एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन वो वैनिश हो जाएगा। समझ में आई? यस सर। ठीक, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। पहला है कि हाइब्रिडाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल में ये हो रहा है या नहीं हो रहा है वो नहीं पता। Important points about the writing case, I am sorry, थोड़ा सा वो हाथ नहीं होकर भी सेट कर पाए, ठीक है। Hybridization is only a concept, actually हो रहा है या नहीं हो रहा है we don't know. Second point, जो hybridization होता है ना वो starting में मैंने बताया था जब bond formation हो रहा था कि it only involves orbitals, electrons नहीं होते,
इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन. अगर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे होते हाइब्रिडाइजेशन में तो फिर इलेक्ट्रॉन मूव क्यों करते फिर इधर से उधर, वो तो फिक्स हो जाते एक जगह और उनकी आइडेंटिटी भी फिक्स हो जाती. इसलिए अगर हाइब्रिड, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्बिटल्स जो कि आउटर मोस्ट उनके शेल्स हैं एस पी डी, वो मिलते हैं दूसरे से, ना कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन. ठीक है, थर्ड पॉइंट, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं दे फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड. और प्लीज इसको याद रख लो बिल्कुल एकदम, कभी कंफ्यूज मत हो. जब भी हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो वो केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड ही हो. ठीक, फोर्थ पॉइंट, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है. ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि वो ये ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, सभी का अपना अपना एक डायरेक्शन होता है. ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, बॉन्ड एंगल. अब जब डायरेक्शन सेम डायरेक्शन अगर होता है तो फिर बॉन्ड एंगल भी होना चाहिए. सर वो यस एक्सक्यूज, कुछ डाउट? ठीक है, अगर हाइब्रिड, अगर यहाँ पर पर्टिकुलर डायरेक्शंस है तो डायरेक्शन को शो करने के लिए बॉन्ड एंगल भी होगा ना. तो बॉन्ड एंगल जो होता है दैट इज, ये भी आपको पता होगा बचपन में पढ़ा होगा, cos थीटा इज इक्वल टू s अपॉन s माइनस वन या फिर p माइनस वन अपॉन p. अभी बताऊंगा s एंड p क्या है. s जो होता है परसेंटेज s करेक्टर, एंड p होता है परसेंटेज p करेक्टर. ये समझ में आया? Yes, sir. Excuse me, sir. Next slide करूं? Excuse me, sir. Yes. आपने बोला hybrid orbitals they form only sigma bond. Yes. तो जो p orbital की p orbital के साथ overlapping होती है वहां pi orbital मतलब pi bond बनते हैं. नहीं नहीं, तो उसमें दोनों चीजें होती है. अगर ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ओवरलैप करेंगे तो ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, अगर परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस करेंगे तब ये पाई बॉन्ड बनेगा. तो आपने बोला हाइब्रिड ऑर्बिटल ओनली फॉर्म सिग्मा, हाइब्रिड ऑर्बिटल ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड. और जब सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा उसके बाद फिर अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर उनके एक्स पी एक्स या पी वाई कुछ बचेगा तो वो अपना आपस में ऐसे कर लेंगे, पाई बॉन्ड बना लेंगे. हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाएंगे पाई बॉन्ड, बट अवेलेबल है इसलिए वो पाई बॉन्ड बना रहे. वी विल डू फ्यू एग्जांपल्स ओवर इट, आपको क्लियर हो जाएगा. ये समझ में आया इतना जो भी फाइव पॉइंट्स लिखे हुए? अच्छा, अब ये बताइए, तीन एग्जांपल्स हैं sp ऑर्बिटल में क्या वो रहेगा हमारा एंगल, बॉन्ड एंगल. अगर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो बॉन्ड एंगल क्या रहेगा? 180. अब इसमें s करेक्टर कितना है, परसेंटेज s करेक्टर 50% सर, 50% और हाफ कर दो इसको हाफ. ठीक है, तो अगर हम cos थीटा इज इक्वल टू हाफ अपॉन वन माइनस हाफ, ये ना नहीं, हाफ अपॉन हाफ माइनस वन आएगा, एस माइनस वन. हाँ, तो इसकी वैल्यू आ रही है
माइनस वन, तो थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, तो ये लीनियर, ठीक। ऐसे एक और एग्जांपल एस पी टू की बारे में बात कर लो, इसमें एस करेक्टर कितना है, 1/3 है, ठीक है, तो कॉस थीटा 1/3 upon 1/3 minus 1, तो ये माइनस वन माइनस हाफ आ जाएगा, ठीक है, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी 120, ठीक है, तो इसका कुछ ऐसा शेप रहेगा ट्रायंगुलर। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एस पी थ्री की बात कर लेते हैं, इसमें एस करेक्टर कितना हो जाएगा 1/4, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1/4 upon 1/4 minus 1, ये कितना आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना ये क्या हो रहा है, ये मैं इसलिए मैंने इसकी डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यू लिखी क्योंकि ये कुछ ज्यादा मतलब उतनी कोई कठिन नहीं है, इस वजह से मैं इसको जल्दी खत्म करता हूँ उस चीज को, है ना, ये -1/3 एंड देन थीटा जो अल्टीमेटली आएगा वो 109.5 degrees, ये आपका टेट्राहेड्रल। Yes, sir. अब हम बात करते हैं जो बचपन में हम लोगों ने देखे होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जो शेप्स होते हैं उनके बारे में, इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन, इज इट विजिबल, कुछ और इसको बड़ा तो नहीं करना है, ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको px, py, pz ऑर्बिटल क्या होते हैं, या dx स्क्वायर, y स्क्वायर, dz स्क्वायर, ये क्या होता है, ये आपको शेप का आइडिया है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपने पढ़ लिया ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, अभी नहीं पढ़ा? सर शेप पढ़ी तो नहीं है पर पहले से थोड़ा आइडिया है। तो एक मिनट में बस थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ जिससे कि कंफ्यूजन ना हो कुछ। अगर हम बात करें शेप ऑफ एस, अभी हम शेप्स की बात कर रहे हैं, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल ये होता है स्फेरिकल, ठीक है, ये मैं अभी आपको मोटा मोटा बता देता हूँ और बाकी इसका आप डिटेल मैथमेटिकल फॉर्म अभी कुछ क्लासेस बाद आप पढ़ोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद हम पी ऑर्बिटल की बात करते हैं। ये तीन तरह के पी ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, और ये कुछ इस तरह से रहते हैं। ये मान लो x डायरेक्शन, ये मान लो y डायरेक्शन, ये मान लो z डायरेक्शन, तो ये सभी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका पी वाई, ये हो गया आपका पी जेड, पी एक्स, और ये हो गया आपका PZ, ये समझ में आया, ठीक। अब क्या होता है कि P ऑर्बिटल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बात होती है कि कौन हमारा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और कौन हमारा पाई बॉन्ड बनाएगा, ये बात करते हैं। तो अगर हम मान लें कंसीडर X एक्सिस टू बी आवर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब
कि जो दो हमारे एटम से वो अप्रोच कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में अप्रोच कर रहे हैं, एक यहाँ से अप्रोच कर रहा है, एक यहाँ से अप्रोच कर रहा है, दो अलग अलग एटम्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि ये यहाँ नीचे दिखेगा ना आपको, सभी कर्सर दिख रहा है? Yes, sir. तो अब क्या होगा कि अगर हम एक्स एक्सिस को अगर हम माने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो पी एक्स तो ये हो गया आपका, ठीक है। और मान लीजिए कि एक और पी एक्स ही है, ठीक है, तो एक और पी एक्स ये हो गया, ठीक है। तो इनके बीच में ये सीधा ओवरलैप होगा, इसको सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। बट अगर इनमें किसी में ये पी वाई है, ठीक है, और फर्दर अगर पी एक्स हुआ, फर्दर अगर पी एक्स हुआ जिससे अप्रोच हो रहा है, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये तो इसके नोड पर आ रहा है, तो ये इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं होगी। तो इसलिए अगर यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर होगा, मान लीजिए पी वाई है और दूसरा भी पी वाई है, तब इसमें जो बॉन्डिंग होगी इसको पाई बॉन्ड बोलेंगे। सिमिलरली अगर ये पी जेड है और ये भी पी जेड है, तब भी होगा। लेकिन अगर पी मान लीजिए ये पी वाई है और ये मान लीजिए ये पी जेड है, तब भी इसका अप्रोच, इन दोनों का अप्रोच टुवर्ड्स देयर नोड पर होगा, तब भी कोई बॉन्डिंग होगी। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये बेसिक चीज है हमारी बॉन्डिंग की, ये समझ में आई ना? ठीक है। और ऐसे ही सिमिलरली डी ऑर्बिटल्स में भी होता है। जैसे अगर हम बात करें, डी ऑर्बिटल पांच तरह के होते हैं, उसमें से तीन तो सिमिलर होते हैं, डी एक्स वाई या फिर वाई जेड या फिर जेड एक्स, ये सिमिलर होते हैं बिल्कुल एकदम ऐसे रहते हैं, मतलब अलोंग देयर एक्सिस। तो अगर यहाँ पर अगर आपका मान लीजिए एस ऑर्बिटल आया, तो ये नोड की तरफ जाएगा, तो सिग्मा बॉन्ड तो नहीं बनेगा, ठीक है। वैसे ही अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर एक पी एक्स आया, ठीक है, अगर पी एक्स आया यहाँ पर गया, तब भी कोई बॉन्ड नहीं होगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर पी वाई आया, ठीक है, पी वाई आया, तो ये यहाँ से पाई बॉन्ड बना देगा, इसको बोलेंगे हम P pi D pi bond, ठीक, ये समझ में आया? Yes, sir. और अब इसमें क्या होता है कि इसमें D में दो तरह के अलग ऑर्बिटल्स भी होते हैं, एक तरह से होता है ऐसा, इसको बोलते हैं डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, है ना, और एक और होता है, हाँ एक और होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये ऐसा होता है, ये अलोंग बिल्कुल P ऑर्बिटल टाइप होता है, ये along this axis, और ये जो है axis, ये वाली z axis है, ये भी z axis है, ठीक है, ये समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, चलिए अब ये इसलिए बता दें क्योंकि आगे हमको भी इसमें थोड़ा बहुत इसका आइडिया होना जरूरी है, जिससे काम आए। ये हम स्लो तो नहीं हो रहे काफी? थोड़ा सा तो है सर। हाँ तो चलिए इसको तो जल्दी कर लेते हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर अगर टू है तो इसका हाइब्रिड होगा एच पी, एक तो एस तो होगा ही होगा, बाकी आप जिस डायरेक्शन से आ रहे हो इंटरन्यूक्लियर जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन से वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, जैसे पी जेड या पी एक्स भी बना सकता है, एस पी जेड भी बना सकता है, एस पी एक्स पी या एक्स एस पी वाई भी, ठीक है। तो ये लीनियर होगा 180 डिग्री, ठीक। एस पी टू में या तो पी एक्स पी वाई आएंगे या फिर पी जेड भी आ सकता है, डिपेंड अपॉन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो मैंने बताया था उसमें डायग्राम, ठीक है। एस पी टू का ट्राइंगुलर 120 डिग्री, वैसे एस पी थ्री इसमें एस एंड सारे पी के जितने भी होंगे सभी ऐड होंगे, टेट्राहेड्रल 109.5 डिग्री, ये टेट्राहेड्रल शेप बनाएगा। एस पी टू डी, एस पी टू डी में अब क्या है, आप ये देखिए इसमें एस पी के तो सारे हैं ऑलमोस्ट, लेकिन इसमें डी का डी एक्स स्क्वायर है, इसमें ये इन्होंने गलत लिखा हुआ, ये pz नहीं होगा, ठीक है, ये s px py एंड dz dx का माइनस y स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लेनर हो गया, ये सारे एंगल्स 90 डिग्री के रहेंगे, ठीक। सिमिलरली अगर हम sp3d की बात करेंगे तो इसमें भी sp3 और dz स्क्वायर। अब एक चीज इसमें देखने वाली बात ये है कि जब भी हम ये बात करेंगे जो ऐसे हैं, तो ये z एक्सिस है, जो जितने भी हमारे आगे डायग्राम्स हैं में ये z एक्सिस है, ठीक है, ये याद रखना है। तो अब ये जो अलोंग द z एक्सिस की अगर हम बात करेंगे, तो जो dz स्क्वायर मैंने डायग्राम बताया था उसका डायग्राम ऐसे होता है, ठीक है, दैट इज अलोंग द एक्सिस,
तो अब कभी भी अगर z एक्सिस है तो उसमें या तो d x z आएगा या y z वाला आएगा, मतलब z कंपोनेंट आएगा जितना भी होगा ना, चाहे वो p का भी z कंपोनेंट हो, वो इस एक्सिस पर आएगा। ये समझ में आई बात? यस सर। एच पी थ्री डी ये 120, ये होगा आपका ट्रिगुलर बाई पैरामीटर, ये वाले एंगल्स 120 रहेंगे और ये वर्टिकल वाले जो एंगल वो 90 डिग्री रहेंगे। ऐसे डी एस पी थ्री की बात होगी, एस पी थ्री तो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये भी स्क्वायर पर रहेगा पैरामीटर, और यहाँ पर पी जेड, ये पी जेड रहेगा क्योंकि यहाँ डी का जेड तो है नहीं कंपोनेंट, पी का ही जेड कंपोनेंट है, तो यहाँ पी जेड हो गया। ठीक है, वैसे एस पी थ्री डी टू, इसमें देखिए एक डी जेड स्क्वायर है और एक पी थ्री है, यहाँ पर तो पी का जेड कंपोनेंट, यहाँ डी जेड स्क्वायर हो जाएगा एक जगह और एक जगह पी का जेड कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक, समझ में आई बात? ये ऑक्टाहेड्रल हो गया, 90 डिग्री सारे एंगल्स, वैसे एस पी थ्री डी थ्री और ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर डी एक्स वाई, तो इसमें डी जेड स्क्वायर और ये पी जेड और बाकी वाले सब यहाँ पर घूम रहे हैं अपना आराम से, ये 90 डिग्री और ये 72 डिग्री। वैसे ही एट पर जो रहेगा ये क्यूबिक शेप रहेगा, और इसका एक एग्जाम्पल है हमारे जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, लेंथ एंड हाइट। ठीक है, ये जो क्यूबिक शेप आता है ये लेंथ एंड हाइट का होता है। ठीक है सर, डी वाले में डाउट होता है कि डी में कौन सा चूज करें, वो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। अच्छा, अभी मैंने बताया ना, मैंने ये तुमको ये बताया, एक मिनट, अभी तो मैंने स्टार्टिंग में वो तुमको बताया था। ये अब ये बताइए कि मान लीजिए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अब कहीं भी z आएगा, चाहे वो डी जेड स्क्वायर हो या डी वाई जेड या डी जेड एक्स या फिर पी जेड, ये जितने भी z कंपोनेंट वाले हैं वो इस ही एक्सिस पर आएंगे, जो वर्टिकल एक्सिस है। ठीक, ये समझ में आया बात? क्योंकि डी जेड स्क्वायर का हाइब्रिडाइज होने के बाद तो अलग एंगल पे चला जाता है ना, तो शुरू में देखिए ये हाइब्रिड ही है। अब मैं बताता हूँ, एक मिनट, हाँ अब यहाँ आइए, जस्ट हैव अ लुक इस वाले पर, फोर वाले पर, यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर शेप है, तो यहाँ पे कहीं वर्टिकल कंपोनेंट है क्या? नहीं है, तो ऑब्वियसली इसमें जेड डी जेड तो होगा ही नहीं और पी का भी जेड नहीं होगा, तभी मैंने यहाँ पर गलती से, लखपी सर ने यहाँ पर पी जेड लिखा हुआ है, मैंने इसको काट दिया, क्योंकि यहाँ पर एस पी एक्स पी वाई है और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर भी, अगर यहाँ पर देखिए आप, यहाँ एस पी थ्री डी जेड स्क्वायर है ट्रिगनल बाई पैरामीडल, अगर आपको पता है शिफ्ट ट्रिगनल बाई पैरामीडल है तो यहाँ पर दो वर्टिकल लाइन होंगी, एक ऊपर होगी एक नीचे होगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर एस पी थ्री है तो पी में पी के तीनों ऑर्बिटल्स यहाँ पर इंक्लूडेड है, तो अगर पी के तीनों ऑर्बिटल इंक्लूडेड है तो z एक्सिस पर p का कौन सा ऑर्बिटल इंक्लूड होगा? z एक्सिस पर p का z ऑर्बिटल इंक्लूड होगा, और फिर बाकी जो एक बचा वो ये dz स्क्वायर है, मतलब z अगर आएगा तो उसको वर्टिकली z पर रखना है। ये समझ में आया? यस सर। और बाकी अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी सर। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अभी हमारा, हमारे पास 40 मिनट्स है, तो फटाफट से क्वेश्चंस करते हैं। ये बताइए कि डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये क्वेश्चन लिख लीजिए। मैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, जिस फॉर्मेट में मैं एक्चुअल में अटेम्प्ट करना है वो मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके बता देता हूँ, बाकी फिर आगे होगा दैट वी विल जस्ट डील कि ये क्वेश्चन में होना क्या है। ओके, बट क्वेश्चन को लिखना कैसे है वो मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ।
अब इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से लिखेंगे हम, इन सी एच फोर मॉलिक्यूल कार्बन इज सेंट्रल एटम, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन वन एच टू टू एच टू टू पी एक्स वन टू पी वाई वन एंड टू पी जेड में कुछ नहीं, ठीक है। इसको अगर हम इस फॉर्मेट में लिखें यहां से, ठीक है। अब अगर हम बात करें एक्साइटेड कार्बन की, क्योंकि ये वाला एक्साइट होके यहां जाएगा, एक्साइटेड कार्बन ये होगा क्या, ये 2s है या 2p, यहाँ पर सिंगल यहाँ सिंगल ऐसा, ठीक है। नाउ अब यहां लिखना है कि दीज ऑर्बिटल्स गेट हाइब्रिडाइज्ड टू गिव 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तब क्या होगा, ये यहां तक लिख लीजिए, स्लाइड चेंज कर दूं, अब जो कोऑर्डिनेटिंग एटम है वो क्या है, हाइड्रोजन, क्योंकि तो आपका क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, ठीक है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, ठीक। तो मैंने ये बताया था कि अगर ये, मैं एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ कि s ऑर्बिटल पर अगर p का कोई भी ऑर्बिटल हो, वेदर px, py या pz या फिर s ऑर्बिटल, इससे अगर ओवरलैप करेगा तो इट विल फॉर्म ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे, अब यहां लिखेंगे हम ईच हाइड्रोजन, ये मत लिखना, ये समझने के लिए रखे, each hydrogen contain unpaired electron in 1s orbital
एंड इट विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड विथ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन यहां पर 1s1 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 अब ये जो इसके एक एक इलेक्ट्रॉन से वो यहाँ जाएंगे ठीक है और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो कैसे होगी जो ये बॉन्डिंग होगी वो ये कार्बन है ये एक ऑर्बिटल है जो कि एक sp3 ऑर्बिटल है कार्बन का ठीक है और ये आपका हाइड्रोजन है ये स्फेरिकल शेप ये s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन ये बन रही है सिग्मा बॉन्ड और यहां देखेंगे फोर सच सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड गिवन गिविंग ओवरऑल geometry as tetrahedral Did it clear? Yes, sir. अब हम बॉन्ड एंगल निकालेंगे हमने ज्योमेट्री तो निकाल ली नाउ वी विल फाइंड आउट बॉन्ड एंगल मतलब ये कंटिन्यूअस चल रहा है अभी क्वेश्चन चल ही रहा है दैट इज कंटिन्यूअस नाउ वी विल कैलकुलेट बॉन्ड एंगल बॉन्ड एंगल क्या होगा क्योंकि ये sp3 है तो s करेक्टर इज 1 बाई 4 then cos theta is equal to s upon s minus 1, 1 by 4 upon 1 by 4 minus 1. Ultimately, theta will be 109.5 degrees. Now, it's called shape. बनाएंगे वो ये रहेगा इस तरह ये हो गया एच This molecule does not contain any lone pair. Yeah.
therefore the shape is regular and finally nature of ball. Nature of bond will be sp3 carbon and hydrogen. Sigma bond. यहां आपको 10 नंबर मिल जाएंगे वैसे इसको इस तरह से अटेम्प्ट करने पर, तो 10 में से आपको मैक्सिमम 7 मिल जाएंगे. मैंने लिख लिया. Yes, sir. अब अभी हम लोगों ने देख लिया कि अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन को. अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है, अब जैसे है यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूं मैं जिसमें सिग्मा ओनली मॉडल कंटेनिंग लोन पेयर. अभी जो मीथेन वाला हमने देखा वो बिल्कुल रेगुलर था. अब सिग्मा ओनली मॉडल कंटेनिंग लोन पेयर सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल अमोनिया. ठीक है, तो वही अमोनिया का डिस्कस करना है हाइब्रिडाइजेशन. तो सबसे पहले नाइट्रोजन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1. ठीक है, उसके बाद बस ये समझ में तो आ रहा है ना, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं इसको समझाओ, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे तो बता दीजिए. ये नाइट्रोजन का हो गया, इसमें यहाँ पर तीन अलग से इंडिपेंडेंट पी ऑर्बिटल है एंड ये लोन पेयर है यहाँ पर. तो दिस डजंट नीड टू गेट एक्साइट. इसको आप एक्साइट करके कहाँ ले जाओगे, नाइट्रोजन में तो डी ऑर्बिटल भी नहीं होता है. देयरफॉर नो नीड ऑफ एक्साइटेशन. समझ पाया ना, प्लीज कुछ रिस्पॉन्स. यस सर. और सर जैसे ये शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं एग्जाम में इस, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नहीं नहीं, ये पूरा लिखना होगा, वहाँ कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा. ठीक है सर. वहाँ जैसे आप स्टैंडर्ड जो शॉर्ट फॉर्म्स है जैसे कि WHO WTO IMF है ना, इस टाइप के शॉर्ट फॉर्म वहाँ लिख सकते हो. बट ऐसा भी नहीं कि कोई आप जो लिखना है वो आप नहीं लिख रहे हो. जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका कोई ईसी स्टैंडर्ड वो तो है नहीं. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर दिस विल फॉर्म हाइब्रिड. और जब हाइब्रिड बनेगा sp3, ठीक है, यहाँ ऑलरेडी अगर हम भरेंगे इनको तो ये इस तरह से आएगा. ठीक है, अब जब ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना हुआ है नाइट्रोजन का एंड वी आर हैविंग हाइड्रोजन, तो 1s. ठीक है, ऐसे ही तीन हाइड्रोजन होंगे 1s वाले. अब तीनों हाइड्रोजन इन अकेले बेचारे बच्चों को जाएंगे, यहाँ आ जाओ. ठीक है, यहाँ पर. ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो n का जो sp3 का sp3 और हाइड्रोजन का s, इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगी.
और कितनी 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है। और जब ये sp3 है तो इसका शेप होगा टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब इसको हम अगर ड्रॉ करते हैं, मैं इसी पेज में कर दूंगा क्योंकि नेक्स्ट पेज में फिर थोड़ा वो रहेगा, ठीक है। अब अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर क्या है, ये आपके जो बन रहे हैं या लोन पेयर बन रहा है, ठीक है, और ये जो है 3 सिग्मा बॉन्ड्स है। और जब हम टेट्राहेड्रल शेप इसका बनाएंगे तो फाइनली जो टेट्राहेड्रल शेप बनेगा वो इसका पिरामिडल शेप बनेगा, ये नाइट्रोजन, उसके लोन पेयर, हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसकी बॉन्ड एंगल की बात करें तो इसका बॉन्ड एंगल होता है 107.5 डिग्री, जो कि हमने स्टैंडर्ड रेगुलर के लिए जो 109.5 डिग्री था उससे कम है, दैट इज बिकॉज ऑफ लोन पेयर जो कि यहाँ पर इनको रिपेल करेगा, ठीक है। और हम नेचर ऑफ बॉन्ड की बात करेंगे, नेचर ऑफ बॉन्ड रहेगा हमारा sp3 नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जो s है, और ये सिग्मा बॉन्ड बनेगी, ठीक है। शैल वी मूव ऑन? यस, ठीक है। अब थर्ड पर आते हैं, लवप्रीत सर के नोट्स में CO2 का दे रखा है, मैं POCl3 का करा दूंगा तो आपके पास काफी हो जाएगा अलग अलग। थर्ड जो है वो हमारा हाइब्रिडेशन इन्वॉल्विंग पाई बॉन्ड, अभी तो किसी को कोई इशू तो नहीं ना, मतलब काफी स्मूथ है ये, इसमें कुछ सोचने वाला ज्यादा है नहीं, है ना? Yes, sir. Example है POCl3 का। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस इसका ये रहेगा, फाइनली हाँ इसमें सेम सिमिलर टू नाइट्रोजन रहेगा, यहाँ पर आपका नियन S2 PPX1 PPY1 ठीक है। और यहाँ ही होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पर रहेगा जो इस शेप को देखने में लग रहा है 4 है, ऑक्सीजन 1 है और क्लोरीन 3 है, ये जस्ट फॉर दिस, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसका, ये बनाते हैं ऑर्बिटल्स, इसमें 2 है, इसमें सभी में 1 है, फर्दर इसको हाइब्रिडाइज करते हैं, लेकिन हाइब्रिडाइज करने के पहले अगर हम यहां देखेंगे तो यहां पर 3D भी अवेलेबल है, ठीक है। यहां 3D अवेलेबल है तो हाइब्रिडाइजेशन करने के पहले ये एक्साइटेशन होगा, ये वाला 3D में चला जाएगा, ठीक है। तो ये 3S वाला है, इधर चला जाएगा, यहाँ जरा सिंपल बचा, और ये यहाँ पर आ, ठीक है, ये 3D। नाउ दिस विल हाइब्रिडाइज, यहाँ पर अब ये हाइब्रिडाइज होगा और यही इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जाएंगे तो ये sp3 ही बनाएगा, ठीक है, और ये बेचारा ही अलग रह जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 चाहिए, मतलब 4 ही लोग यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे,
sp3 हाइब्रिड और एक इलेक्ट्रॉन बेचारा तुम्हारा d पे रह गया। यहां तक समझ में आया? अब हम बात करते हैं अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। मैं है आपका 1s2, 2s2, 2p1, sorry 2px2 रहेगा और ये 2py1, 2pz1, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन का लिखते हैं 1s2, 2s2, 2px2, 2py2 एंड 2pz1, ठीक है। ये समझ में आया ये दोनों? देख लिया ना, चेंज कर दो मैं स्लाइड। यस अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास यहाँ पर केवल एक PZ है, यहाँ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर तीन क्लोरीन है हमारे स्ट्रक्चर में, तो तीन क्लोरीन तो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तीन क्लोरीन यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना देंगे, ठीक, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे तीन क्लोरीन। और यहाँ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन में एक और दो है यहाँ पर अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर अगर हम sp3 हाइब्रिड की बात करें तो उसमें केवल एक यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन एक आ जाएगा, तो मतलब मान लीजिए ये वाला यहाँ पर बिजी हो गया, ठीक है, ये एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब अल्टीमेटली क्या है, अब हम देखते हैं कि तीन क्लोरीन यहाँ पर बन गए, ठीक है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर बन गया, और अब फाइनली क्या बच रहा है हमारे पास, हमारे पास बच रहा है यहाँ पर फॉस्फोरस के पास एक इलेक्ट्रॉन जो 3d में है, और ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन जो 2p में है। यहां तक ये समझ में आया? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के साथ जो होगा सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, वो क्या होगा, sp3 फॉस्फोरस और p आपका ऑक्सीजन, ठीक है, pz मान लो, pz ऑक्सीजन का, ठीक है, ये आपका बनाया था सिग्मा बॉन्ड। एंड सिमिलरली क्लोरीन के साथ, क्लोरीन sp3 ऑफ फॉस्फोरस, ये बनाया pz ऑफ क्लोरीन, ये भी सिग्मा बॉन्ड, अब हमारे पास यहाँ पर कितनी सिग्मा बॉन्ड है, ऑक्सीजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड, क्लोरीन के साथ तीन सिग्मा बॉन्ड, तो अब हमें मोटा मोटा हमें पता लग गया हमारा शेप क्या रहेगा, शेप क्या है हमारा, टेट्राहेड्रल, फॉस्फोरस एक, एक ऑक्सीजन और तीन क्लोरीन। ये जो मैंने बताया था ना कि हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड से ही होता है, जो आपका शेप ऑफ मॉलिक्यूल होगा दैट इज बिकॉज ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये समझ में आया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारा जेड यहाँ इन्वॉल्व है, यहाँ पर जेड इन्वॉल्व है, अब यहाँ पर एक और देखने वाली बात है कि यहाँ पर ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ठीक है, और सिमिलरली फॉस्फोरस में भी एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ऑक्सीजन में यहाँ पर 2p में है और फॉस्फोरस में यहाँ पर, सही शेप बना देता हूँ, फॉस्फोरस में यहाँ पर d में है, ठीक है, ये 3d, तो 2p और 3d जो बनाएंगे यहाँ पर, अब ये पाई बॉन्डिंग करेंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर एक दूसरे के, तो यहाँ पर बनेगा 2p 3d पाई बॉन्ड, या फिर इसको इसको इस तरह से ना लिख के
पी पाई डी पाई बॉन्ड। ये समझ में आया? ठीक है, तो अब यहां पर नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होगा, फाइनल जो हमारा आंसर का कंक्लूजन निकलेगा। नेचर ऑफ बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड्स कितनी बनेगी, सिग्मा बॉन्ड बनेगी sp3 फॉस्फोरस और 2pz ऑफ ऑक्सीजन एंड sp3 ऑफ फॉस्फोरस एंड 3pz ऑफ क्लोरीन। अरे सॉरी, मैंने क्लोरीन का शायद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गलत लिख दिया। हाँ ये तो मैंने फ्लोरीन कर लिया, सॉरी। यहाँ पर 2 कर दीजिए या 3 कर दीजिए, सॉरी फॉर मिस्टेक। ठीक है, ये कर लेना क्लियर, वो मैंने फ्लोरीन कर लिख दिया था वहां पर। ठीक है, और एक पाई बॉन्ड बनेगी, पाई बॉन्ड किसके बीच में बनेगी, ई पाई ऑफ फॉस्फोरस एंड पी पाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये समझ में आया, शेप टेट्राहेड्रल हो गया और इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, तो ये रेगुलर शेप है। ये सभी को क्लियर? और क्विक मैम को जो वो था, उन्होंने बोला था कि ओनली सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ से क्लियर हो गया है ओनली सिग्मा या ओनली पाई का क्या रोल रहेगा। चलिए, तो अब हमने काफी बात कर ली कि यार सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, अब इनके बारे में जान लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है। ये इज इट विजिबल टू एवरीवन? यस सर। Yes. सिग्मा बॉन्ड मैं इसको रीड कर देता हूँ, जहां पर भी डाउट हो वो उसको बता दीजिएगा। ओके, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये मैंने तुम्हें बता रखा है सभी को कि ओवरलैप अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होता है, कि अगर जेड के अलोंग ही अगर यहाँ पर दूसरा आएगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, इस पर किसी को कोई डाउट? हाँ, और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, वो ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये भी मैंने बता दिया है कि जो मान लीजिए वाई है या एक्स या जेड है, अगर अलोंग एक्स एक्सिस हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो पाई बॉन्ड बनेगा। ये भी आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, ओवरलैप अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज मोर इफेक्टिव, देयरफॉर सिग्मा बॉन्ड इज रिलेटिवली मोर स्ट्रॉन्गर। सही बात है, यहाँ पर देखने में लग रहा है कि यहाँ ओवरलैप देखिए कितना इफेक्टिव है, सबको दिख रहा है ना? Yes, sir. हाँ, और ये पाई बॉन्ड में ये बिल्कुल इफेक्टिव ओवरलैप नहीं, बस एक दूसरे के साथ सटके खड़े हुए हैं, है ना? तो दिस इज नॉट इफेक्टिव, इसे रिलेटिवली वीक। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग पाई बॉन्ड, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस कि यहाँ पर आपका एक सिमेट्रिक जो यहाँ पर शेयरिंग हो रही है, प्लस 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 वाले सभी मतलब सेम सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिमेट्रिक है। अब ये थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं ये बताता हूँ। जैसे हमारा जो पी ऑर्बिटल होता है ना, ऐसे जो बनता है उसमें एक पॉजिटिव फेज होता है, एक नेगेटिव फेज होता है। ये पॉजिटिव फेज और ये नेगेटिव फेज, जब इनकी बॉन्डिंग होती है, पाई बॉन्ड बनता है, तब ये ऐसे बनता है। यहाँ पर पॉजिटिव फेज रहेगा, यहाँ पर नेगेटिव फेज रहेगा, तो ये किसी भी एंगल से हमारा सिमेट्रिक नहीं है। वही अगर हम इसकी बात करें सिग्मा बॉन्ड की, तो ये मान लीजिए एस है, ये पूरा प्लस 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 है, और ये मान लीजिए पी है, सॉरी, ये मान लीजिए पी। ये जब प्लस प्लस होगा तब ये बड़ा सा ऐसा बनेगा और ये छोटा सा ऐसा बनेगा,
तो यहाँ सारा प्लस प्लस प्लस, या अगर दो एस मान लो तो दो एस भी यहाँ पर सब प्लस 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 हो, यहाँ जैसे ये दिखाया गया है प्लस प्लस प्लस, ठीक है, यहाँ पर प्लस एंड माइनस। ये सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक कंफ्यूजन अब तो नहीं रहेगी ना, ठीक है। अब नेक्स्ट पे जाते हैं कि जो ये हमारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई दे आर लोकलाइज्ड, क्योंकि दो न्यूक्लियस के बीच में है इसलिए वो उनके बीच में ही रहेंगे और कहीं ये घूमेंगे फिरेंगे, और डजंट पार्टिसिपेट इन मेसोमेरिक डीलोकलाइजेशन। जब ये ए और बी के बीच में रहेंगे तो इनकी पकड़ से वो दूर दूर कहीं नहीं जाने वाला, तो ये डीलोकलाइज नहीं होगा। लेकिन अगर हम पाई बॉन्ड की बात करेंगे तो ये डीलोकलाइज होगा और पार्टिसिपेट इन मेसोमेरिज्म और रेजोनेंस, क्योंकि ये इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर है ये, तो ये उतना ज्यादा ये घूमते फिरते रहते हैं, ये इसको कोई भी आएगा छीन के ले जाएगा। अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस पढ़ते हैं, ठीक है। ओनली वन सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल बिटवीन टू एटम्स। अब हम लोगों ने भी जितने एग्जाम्पल्स पढ़े सभी में एक सिग्मा बॉन्ड ही बन रही थी, और वो इसलिए बनेगी क्योंकि बिकॉज ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग केवल एक ही ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है। इसीलिए अगर एक ही ऑर्बिटल रहेगा तो एक ही के साथ तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, लेकिन पाई बॉन्ड आपकी मल्टीपल बन सकती है, क्योंकि एक पता लगा पी एक्स और दूसरे का पी एक्स से, सॉरी पी वाई से कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, तो इन दोनों के बीच में हमारी बन गई और एक जेड वाला भी बना रहा है, तो पाई बॉन्ड आपकी मोर देन वन हो सकती है। ये समझ में आया? Yes, sir. और एक और बात है कि कैन बी फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बट पाई बॉन्ड हैज नो इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस। ये तो हमने देख ही लिया है कि जब हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो आपका इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस कैसे होगा, पहले तो आपका सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा ना, पहले तो आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने O2 का एग्जाम्पल लिया है, तो O2 में पहले जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो पहले दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनी होगी, उसके बाद फिर पाई बॉन्ड बना होगा। सिमिलरली N2 में भी पहले सिग्मा बॉन्ड बनी होगी, फिर उसके बाद दो पाई बॉन्ड बने होंगे, ठीक है। पाई बॉन्ड डिसाइड द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ये जस्ट अभी हमने देख लिया है, सॉरी सिग्मा बॉन्ड डिसाइड द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ये जस्ट देखा। पाई बॉन्ड डज नॉट डिसाइड द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल बट डिक्रीजेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है, क्योंकि अगर पाई बॉन्ड आपकी रहेगी तो उसको कोई भी आसानी से तोड़ सकता है, ठीक है। टेंथ पॉइंट है कि सिग्मा बॉन्ड इज मोर फॉर्म ऑफ प्योर एज वेल एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, प्योर ऑर्बिटल से बनता है और हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। प्योर ऑर्बिटल का सबसे बेसिक एग्जाम्पल H2, जिसमें दो हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स, ये हाइब्रिडाइज तो नहीं हो रहे ना आपने, ये एक एस है, ये वन एस, तो ये सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय प्योर एज वेल एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का तो हम लोगों ने अभी sp3 और sp2 वाले एग्जांपल देखे, लेकिन पाई बॉन्ड इज ओनली फॉर्म्ड बाय प्योर ऑर्बिटल्स। प्योर ऑर्बिटल इन द सेंस या तो पी वाई रहेगा या डी एक्स वाई रहेगा या पी वाई रहेगा, मतलब समझ में आया ना कि ये प्योर ऑर्बिटल्स है, ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, वही जैसे हमने POCl3 वाला एग्जांपल देखा, मतलब प्योर ऑर्बिटल्स ही पाई बॉन्ड बनाते हैं, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन हाइब्रिडाइजेशन। जैसे फॉस्फोरस का डी ऑर्बिटल में अपना इंडिपेंडेंट रह रहा था, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है, और ऑक्सीजन का भी उसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। देयर इज अ कंप्लीट फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड एक लीनियर बॉन्ड बन रही है ऐसे, तो ये दोनों रोटेट तो कर ही सकते हैं ना ऐसे कर, फ्री रोटेशन। लेकिन पाई बॉन्ड इन्वॉल्व रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब आप ये बताइए कि ये दो भाई साहब हैं, इनको ऐसे बांध दिया जाए अलग अलग परपेंडिकुलर पर, तो जब ये जाएंगे ऐसे घूमेंगे तो यहाँ पे ट्विस्टिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? लेकिन ये फ्री रोटेशन तो नहीं होगा ना, तो बस यही कहने का मतलब है कि पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रिस्ट्रिक्टेड मतलब ट्विस्टिंग होगी, पूरा रोटेट नहीं कर पाएंगे, ठीक। अब यहाँ कुछ नोट है कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्स फर्स्ट, पाई बॉन्ड ब्रेक्स फर्स्ट, क्योंकि ये सबसे वीक होता है। ऑर्बिटल्स फॉर्मिंग बॉन्ड शुड हैव द सेम साइन और फेज एंड ओरिएंटेशन इन शेप। ये मैंने अभी बताया कि सेम फेज में होगा, और अगर अपोजिट फेज होगा तो वो नोड बन जाएगा,
ये अभी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा सा इसको और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वैसे सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड पाई बॉन्ड इज वीक। द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड डिपेंड अपॉन द एग्जिस्टिंग एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी बॉन्ड बनेगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सर, शेप और स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस है क्या? शेप और स्ट्रक्चर में डिफरेंस ये है कि एक होता है स्केलेटन, स्केलेटन इंसान का स्केलेटन भी ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, लेकिन जब वो एक्सटर्नल चीजों पर इम्पैक्ट करता है तो उसका शेप थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है ना, उसमें कहीं कुछ बॉन्ड एंगल में डिफरेंस आ जाए या कुछ हो जाए बिकॉज ऑफ लोन पेयर या कई सारे और फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन से निकलेगा वो स्ट्रक्चर होगा कि टेट्राहेड्रल है या फिर ट्रिगोनल है या ट्रिगोनल बाइपिरामिडल है, लेकिन उसका शेप जो होगा ना, जैसे अमोनिया के केस में वो पिरामिडल शेप है, लेकिन है तो हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल ही, लेकिन पिरामिडल शेप अमोनिया के केस में क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर के कारण लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन हुआ, इसके कारण 109.5 डिग्री की वजह से जगह ये 107.5 डिग्री हो गया इनका बॉन्ड एंगल। इसको हम अभी फर्दर डिस्कस करें। ये समझ में आया? यस सर। नहीं मतलब समझ में आया है, यस सर तो ऐसे कभी बोल सकते हो, समझ में आना चाहिए ना। हाँ यही मतलब यही कंफ्यूजन रहता है। अभी आगे आगे ये क्लैरिटी आ जाएगी। लोन पेयर है तो उसको हम लोग बॉन्डिंग जैसा ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो वो हटने के बाद वो पिरामिड जैसा दिखने लगता है। हाँ। बट जब हम लोग टेट्राहेड्रल ले रहे हैं तो मतलब चार काउंट कर रहे हैं SP3 के हिसाब से अमोनिया के किस्म। हाँ हाँ। तो ये मुझे लगता है। ठीक है, ये अभी आगे जाके क्लैरिटी आ जाएगी इस चीजों की। क्लैरिटी भी आएगी। ये हम लास्ट का टॉपिक कर लेते हैं, पार्टिसिपेशन ऑफ डी ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइजेशन। अभी तक हमने कोई भी एग्जांपल नहीं दिया जिसमें डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। अच्छा अब एक चीज बताइए कि जो हमारा एस की जो शेप है, पी का जो शेप है और डी का जो शेप है, इसमें साइज सबसे बड़ा किसका है? साइज ऐसे हो रहा है ना, डी का सबसे ज्यादा साइज, देन पी, देन एस, ये SO2 का स्फेरिकल। अब ये बताइए चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी है? एस की। चार्ज डेंसिटी एस की है। Along this degree हो रही है, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो S का जो साइज है ना, S orbital का, वो लगभग 76 picometer होता है और P का 89 picometer होता है और D का 122 picometer होता है, ठीक है। अब ये बताइए कि जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी हमको बॉन्डिंग करनी है, हाइब्रिडाइजेशन करना है, सबसे अटमोस्ट इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए फॉर हाइब्रिडाइजेशन? सबसे पहले डेफिनेशन में हमने बताया था कि एनर्जी इक्वल होनी चाहिए, एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए, है ना। लेकिन यहां पर क्या है, यहां अगर हम बात करें तो एनर्जी जो है दैट इज डिसाइडेड बाय चार्ज डेंसिटी, एनर्जी डिसाइडेड बाय चार्ज डेंसिटी, सॉरी। तो अब एस की सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, अगर एनर्जी की बात करें तो एस की सबसे ज्यादा देन पी देन डी, और एनर्जी का मतलब होता है कि कौन कितना खींच पाएगा दूसरे
इलेक्ट्रॉन्स को फॉर हाइब्रिडाइजेशन. मतलब हमने ये सुना है ना कि एस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है काफी, कि एनर्जी क्योंकि चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो इसकी एनर्जी ज्यादा है, इट विल बी एबल टू पुल. लेकिन डी अपना पुअर होता है, डी क्योंकि साइज इतना बल्कि होता है कि चार्ज डेंसिटी इसमें बहुत कम होती है. जब चार्ज डेंसिटी बहुत कम होगी तो इट विल नॉट बी इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन अंटिल एंड अनलेस इसके इसका साइज रिड्यूस कर दिया जाए. अंटिल एंड अनलेस डी का साइज रिड्यूस कर दिया जाए. और डी का साइज रिड्यूस कैसे होगा कि जब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप हो. तो फॉर एग्जाम्पल अगर फ्लोरीन के साथ अगर कोई भी डी ऑर्बिटल को रिएक्ट कराया जाए तो फ्लोरीन इसकी सारी इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लेगा. तो फिर जब ये इलेक्ट्रॉन जब इसके पास जा रहे हैं तो फिर डी मेहनत करेगा ना कि यार जितने बचे कुछ इलेक्ट्रॉन है उसको अपने पास खींच लो. तो उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा डी का. इलेक्ट्रोनेगेटिव जब भी हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप होगा तो डी का साइज रिड्यूस हो जाएगा. और अगर डी का साइज रिड्यूस हो जाएगा तब वो एस और पी के कंपेरेबल साइज एंड एनर्जी पर आ जाएगा, क्योंकि वो उसके पास घबराहट होगी यार कि मेरा ये कोई ले रहा है. एंड एट दैट मोमेंट डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है. कनेक्टिविटी बन रही है जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ सिमिलर. हम लोगों ने फॉस्फोरस पढ़ रखा है ना, तो फॉस्फोरस का ही एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे अगर हम बात करें फॉस्फोरस की, ठीक है, तो फॉस्फोरस में क्या है यहाँ पर, ये डी ऑर्बिटल है, इसका 3s CD. अभी एक्साइटेड नहीं है, ठीक है, ऐसे नॉर्मल है. यहाँ पर ये है. अब अगर हम बात करें तो इसका जो साइज है वो इसका 76 पिकोमीटर है, इसका साइज 89 पिकोमीटर है और इसका साइज 122 पिकोमीटर है, ठीक है. लेकिन इफ वी व्हेन वी इंट्रोड्यूस फ्लोरीन, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.1 मैक्सिमम, ठीक है, जब हम फ्लोरीन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं तब हमको पता लगता है कि जब पी एफ बॉन्ड बनता है तब एस का साइज हो जाता है 72 पिकोमीटर, पी का साइज हो जाता है 82 पिकोमीटर एंड डी का साइज हो जाता है 97 पिकोमीटर. कितना रिड्यूस हुआ? ये डिक्रीज बाय 4, ये डिक्रीज बाय 7, ये डिक्रीज बाय 25 पिकोमीटर, है ना. एफ क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बहुत ज्यादा है तो ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो डी ऑर्बिटल का, डी ऑर्बिटल मेहनत करेगा और अपने आप को सिकोड़ लेगा. नाउ एट दिस मोमेंट अब थोड़ा लग रहा है कि हाँ ये दोनों कंपेरेबल है, जब 72, 82, 97 ये कंपेरेबल है. नाउ यू कैन सी ना कंपेरेबल है तब यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होगा. नाउ इट विल बी हाइब्रिड ऑर्बिटल. तो अब यहाँ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनेगा? ये बनेगा sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल. इसका हो गया. ये d, ठीक है, ये sp3dz स्क्वायर ऑर्बिटल. और अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो हमारे ये आफ्टर एक्साइटेशन 1, 2, 3, 4, 5 ही है ना, 3 और 2 5. अब यहाँ पर sp d z स्क्वायर. अब यहाँ पर आप 5 फ्लोरीन लाओ, 5 फ्लोरीन से सिग्मा बॉन्ड बनाओ, ठीक है, 5 फ्लोरीन लाके 5 फ्लोरीन से सिग्मा बॉन्ड बनाओगे तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी ट्रिगनल बाई पिरामिडल होगी. फॉस्फोरस ये फ्लोरीन एंड ये फ्लोरीन,
ठीक है, आई बात समझ में। अब इसमें यहां पर जो रहेगा ये sp2 रहेगा, ये sp2 रहेगा, ये sp2 रहेगा, और परपेंडिकुलर में pz एंड d, तो यहां पर मान लो pd और यहां pd ऑर्बिटल, ठीक है, क्योंकि यहां पर pz और dz स्क्वायर ने हाइब्रिड बनाया होगा, और यहां पर s एंड pxpy ने बनाया होगा। इसमें 90 डिग्री रहेंगे ये और 120 डिग्री रहेंगे, ये समझ में आया? Yes, ये एंगल एंगल कैसे निकला, ये एंगल ऐसे निकला कि यहाँ पर एस करेक्टर कितना है, एस करेक्टर 1/3 है, उसी 1/3 को एस करेक्टर को करेंगे तो 120 आ जाएगा कॉस थीटा लगा कर, और यहाँ पर पी करेक्टर कितना है, यहाँ 50% पी करेक्टर है, मतलब 1/2 पी करेक्टर है, और अगर पी करेक्टर 1/2 करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, ये समझ में आया यहां तक? तो इसी वजह से PF5 एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इसका फर्दर हम आगे करेंगे अब कल, बिकॉज टाइम हो गया है, ओके, यहां तक समझ में आया? यस सर, ठीक है, कल इस टॉपिक का एक बेंड्स रूल बच रहा था, वो चलिए एक पेज का है वो अब कल कर लेंगे, बाकी यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए जो आज पढ़ा आप लोगों ने। सर जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो जितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व रहते हैं उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, हाँ, तो ये स्टार्टिंग में बताया हाँ, और ऐसा नहीं हो सकता है कि चार मिलके तीन और मतलब बिगर साइज के बन जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जितने लोगों के कमरे आप मिलाओगे तो उस हॉल को बड़ा करोगे तो उतने ही लोग तो बनेंगे, ऐसा थोड़ी है कि अगर आपने तीन लोगों के दो दो कमरों को आपने मिला दिया तो उसमें अब 10 लोग बन जाएंगे, बनेंगे तो 6 ही लोग, आया ना समझ में? क्योंकि वहां पर कौन लाइक है, कौन किसका वो कमरा है, वो इलेक्ट्रॉन का कमरा है, आया ना समझ? मतलब बिगर साइज का नहीं बन सकता हाइब्रिड? नहीं, बिगर साइज तो बिगर होगा ही होगा, साइज तो बड़ा होगा, लेकिन उसमें एकोमोडेशन होगा केवल उतने ही का जितने के लिए वो पहले से ऑथराइज्ड है, ऐसा नहीं कि आप तीन, अगर आप मान लो sp2 बना रहे हो तो उसमें एक्चुअल में होना चाहिए 6, अब उसमें आप 8 को डाल दो इलेक्ट्रॉन्स को, वो नहीं होगा। नहीं, मैं वो नहीं कह रही, मैं बोल रही हूँ 4 sp3 के, sp3 जब बनता है तो उससे मतलब एक s और 3 p मिला के 3 बना दे, ठीक है, तो अगर एक एस और 2p बनाएंगे, अगर 3 बनाएंगे एक एस और 2p तो sp2 हाइब्रिड हो जाएगा, एक एस और 3p मिलाकर वो sp3 हो जाएगा, हाँ, उसकी जो नंबर है ना वो बिगर साइज के हाइब्रिड बना दे, ऐसा लगता है यार, एक्चुअली मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको आप टेलीग्राम पे शायद टाइप करके मुझे बता देना तो मैं उसमें बता दूंगा, अभी क्योंकि आप लोग के टाइम जा रहा है, ओके सर, है ना, ठीक है, मैं फिर गुड नाइट एवरीवन, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।